नमस्ते, गुड इवनिंग। आज के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं। आई होप पढ़ाई चल रही होगी, आप लोग सेफली घर में रहते होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। लेट्स होप कि ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं। इंडिया इज फेयरिंग बेटर देन अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग कोविड-19। लेट्स होप सो। चले पैसेज को, जरा क्लोसेज को देख लेते हैं। क्लोसेज का ऑप्शन मैं आपको मैच कर दे रहा हूं। पहले वन का बी, टू का भी बी है, थ्री डी, फोर ए एंड फाइव सी। इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो था उसको इलिमिनेशन से बनाना था। बिना सोचे अगर आप टेकअप करोगे तो शायद आपका आंसर सी आ जाएगा। अगर बिना सोचे या बिना सेंटेंस को टारगेट किया अगर आपने किया होगा तो आंसर आपका सी आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे तो सी प्रॉपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर है बी नुआंस में भी आप उसका मीनिंग नहीं जानते हो। अब अगर मीनिंग नहीं जानते हो तो बिना इलिमिनेशन के तो बी तक आदमी पहुंचेगा नहीं। हिंट जानते होगे, हिंट बिना सोचे लगेगा कि वहां पे वो फिट हो रहा है। जरा पढ़ते हैं। वर्ड्स गिव रियलिटी टू लाइफ, जीवन को एक सच्चाई देती है। शब्दों में जीवन की सच्चाई व्यक्त की जाती है। सम डू बेटर देन अदर्स, कुछ वर्ड्स बाकी शब्दों से ज्यादा अच्छे से काम करते हैं सच्चाई बताने में। ऑफरिंग, दे ऑफर, द वर्ड्स ऑफर, डैश एज इन 20 शेड्स ऑफ ग्रे, एक फ्रेज दिया हुआ है 20 शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब विविधताएं। ग्रे ही अगर कलर है ना, उसका भी 20 शेड्स, मतलब इन अ वेरी वाइड रेंज, लेयर्स, एकदम डिफरेंट टाइप के। अब अगर सोचो, अगर वो इतने विस्तार से बता रही हैं एज इन 20 शेड्स ऑफ ग्रे, तो हिंट तो नहीं होगा ना। हिंट तो इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्टली तो बता नहीं रही हैं, वो विस्तार से बता रही हैं। सो हिंट खत्म। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद, डिफरेंस। नुआंस का मतलब होता है सटल डिफरेंसेज, एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म जो अंतर होते हैं, एकदम जो नॉर्मली दिखाई भी नहीं पड़ते, दे आर कॉल्ड नुआंस। नुआंस मीन्स कैरेक्टरिस्टिक विच आर सटल, जो सूक्ष्म होते हैं। और वो ऑफरिंग नुआंस मतलब वो सटल डिफरेंसेज बताते हैं, जैसे 20 शेड्स ऑफ ग्रे। ग्रे का अगर 20 शेड्स है तो थोड़े थोड़े अंतर होंगे सारे शेड्स में, वैसे ही नुआंस भी आ रहा है। टफ था, बट आई होप कि इलिमिनेशन करके आप शायद कर चुके किए होंगे आप, अदरवाइज ध्यान रखना आगे से। दे डू नॉट, सेकेंड वन इज क्वाइट इजी, दे डू नॉट जस्ट डिस्क्राइब द रियलिटी, दे क्रिएट इट। वो सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते वर्ड्स, वो उसको क्रिएट भी करते हैं, गिविंग इट कलर, डेप्थ एंड फॉर्म, सब देते हैं रियलिटी को। डैश ऑल, ध्यान देना इसमें, हेंस ऑल, सो, हेंस फोर्थ, बट, एक कंजंक्शन की तरह दिया हुआ है, और आपके ऑल के बाद कॉमा लगा हुआ है, आप ध्यान दो। मतलब आप यहां जो भी भरोगे उसको ऑल से मैच भी होना चाहिए, और इस चीज को अगले लिखे हुए सेंटेंस से अटैच भी नहीं करना है, यह अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। अब जरा सोचो, हेंस ऑल, अगर ऑल आपने यहां डिगअप किया, और ऑल आप जानते हो कि डिटरमाइनर है, तो उसके साथ तो कोई ना कोई नाउन चाहिए होगा, डिटरमाइनर या प्रोनाउन है, तो ऑल को तो अकेले इस्तेमाल करेंगे नहीं कॉमा डाल के, ऑल के बाद हम कॉमा लगा नहीं सकते हैं। सो इस फैक्टर को सोच के आपको थर्ड नंबर टेकअप करना था, थोड़ा टाइप टफ है। अब जरा ध्यान रखो, बट के मीनिंग को देखो, एज ए कंजंक्शन उसका मीनिंग लेकिन हाउएवर हो सकता है, बट याद करो बट का मतलब इन स्पाइट ऑफ भी होता है, बट का मतलब एक्सेप्ट भी होता है, बट के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, मतलब शेड्स होते हैं। और अगर आप इन स्पाइट ऑफ ऑल लिखो
अगर यहां पढ़ो तो इंस्पाइट ऑफ ऑल, तो आप ध्यान दो वो दो वर्ड मीनिंगफुल हो जाएगा। इन सारे चीजों के बावजूद जो पीछे में लिखा गया है कि वर्ड्स क्या क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ टफ था, थोड़ा सोचने लायक था। इन स्पाइट ऑफ ऑल व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हियर इज टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वर्ड। मैं इंटरेस्टेड हूं यहां पे सिर्फ एक शब्द के बारे में बात करने का, विच रिवील्स अ ग्रेट डैश अबाउट इंडिया। अब फोर्थ नंबर भी ध्यान से बनाने वाला सेक्शन था। तुम्हारा वन नंबर थोड़ा टफ था, थ्री थोड़ा टफ था, लेकिन टू एंड फोर में रुक के, टू तो इजी था, फोर में थोड़ा सा सोच रहा था इसको। अ ग्रेट डैश अबाउट इंडिया, अब क्वांटिटी और अमाउंट तो तुम हटा दोगे, अब सीधा इंफॉर्मेशन भरोगे। अ ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, इतना चार वर्ड ये यहां पे ठीक लग रहा है। बट अगर आप यहां देखो तो उधर में उसके अ ग्रेट के पहले रिवील लिखा हुआ है, और रिवील इंफॉर्मेशन नहीं किया जाता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकता है। रिवील कोई ऐसी चीज होती है ना, उजागर करना, जो कोई चीज छुपी हुई हो। अब अगर आप यहां इंफॉर्मेशन भरो और रिवील के साथ पढ़ो, रिवील अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, और आपको वैसे ही पता है इंफॉर्मेशन हम लोग कल वाले पेपर में देख रहे थे अनकाउंटेबल नाउन है, अ ग्रेट उसके साथ है। ग्रेट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब आएगा वहां पे, अब जरा सोचना इन सब चीजों को। अ ग्रेट डील आपको याद होगा, मैंने कभी बताया था डिटरमाइनर में अ ग्रेट डील का मतलब होता है मच, अ गुड डील या ग्रेट डील, शायद आपको याद होगा। और वही दे रिवील मच अबाउट इंडिया, वो इंडिया के बारे में बहुत अधिक मतलब उजागर करते हैं इंडिया के कैरेक्टर के बारे में। ये वाले में इंफॉर्मेशन डालना थोड़ा, अगर आपने डाला है तो शायद प्रॉपरली सोचते नहीं हो, अभी तुरंत आंसर कमिट कर देते हो। देखो क्लोजेस में कम से कम दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं, एक सही वाला और एक गलत वाला, जो तुम्हें फर्स्ट रीडिंग में लगेगा कि जो गलत वाला है ना वो ज्यादा फिट तुमको दिखाई पड़ेगा। वन में तुमको हिंट ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा, थर्ड में तुम कंफ्यूज होगे, फोर्थ वाले में इंफॉर्मेशन तुमको दिखाई पड़ेगा। वो जो गलत वाला होता है ना, दो ऑप्शन तो कम से कम होते हैं, दो ऑप्शन में से जो गलत वाला है ना वो ज्यादा आई कैची होता है, इसको दिमाग में रखना तुम। फिफ्थ वन इज क्वाइट इजी, द वर्ड टेल्स अबाउट इट्स पॉलिटिक्स, इट्स सोशल लाइफ, इट्स कम्युनिटीज, इसके बारे में सब बताता है वर्ड। नो नहीं, दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़, दैट वर्ड इज मतलबी, वो वर्ड जुगाड़ नहीं है, वो वर्ड मतलबी है। तुम्हारे पास आसान टू एंड फाइव, वन को इलिमिनेशन, थ्री टफ वन, एंड फोर्थ को सोचने वाला पार्ट था। पता नहीं आपने, आई होप, मैं हमेशा सिंसियरली होप करता हूं कि आपका सब सही रहा होगा। चलिए पैसेज देखें, पैसेज का आंसर पहले मैच कर लो। वन का डी, टू का ए, थ्री का सी, एंड फोर का बी। जरा देखिए पैसेज को, वी स्लॉग्ड ऑन, हम आगे बढ़ते रहे। Although the Syrian border was only 128 kilometers northwest from our observation post, Syrian border सिर्फ 128 किलोमीटर था हमारे पोस्ट से। ध्यान देना, इससे एक ऑप्शन का कनेक्शन है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था सीरियन बॉर्डर। We were aiming due north for the Euphrates, नदी है, शायद आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। हम लोग सीरियन बॉर्डर की तरफ नहीं जाके नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, यूफ्रेटिस के पास, यूफ्रेटिस नदी की तरफ, टू गेट वाटर, पानी चाहिए था। देन वी कुड फॉलो द रिवर टू द फ्रंटियर, और तब वहां से हम रिवर को पकड़ के, रिवर के साथ साथ चल के हम सीमा तक पहुंच जाते। बाई 5 AM वी हैड कवर्ड अबाउट 65 किलोमीटर्स, 5 बजे सवेरे तक हम लोग 65 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। अ फंडामेंटल रूल दैट ड्यूरिंग एस्केप एंड इवेजन, एक रूल है
जब आप कहीं से भाग रहे होते हो तो आर्मी के बारे में बात किया हुआ है, यू डू नॉट मूव इन डे लाइट, तुम दिन में नहीं भागो, रात में भागना है। वी होल्ड ऑफ फॉर द डे इन द बेस्ट शेल्टर वी कुड फाइंड, और जो दिन जब दिन हुई 5 बजे के बाद तो हम लोग एक शेल्टर में हम लोग अपने आप को होल्ड छुपा के हम लोगों ने रख लिया। सम टैंक रट्स 20 सेंटीमीटर्स डीप, टैंक से बना हुआ कोई गड्ढा था जो 20 सेंटीमीटर डीप, 40 सेंटीमीटर डीप था। ऑलरेडी थर्स्ट वॉज ए प्रॉब्लम, प्यास लग चुकी थी। बोथ माई वॉटर बॉटल्स वेर एम्प्टी एंड आई हैड नथिंग लेफ्ट टू ईट बट 10 cracker type biscuits, मेरे पास 10 बिस्किट बचे हुए थे खाने के लिए। आई हैड abandoned माई 10 days ration, मैंने जो मेरा राशन था खाने वाला उसको मैंने छोड़ दिया था। When we all ditched our haversacks as too heavy during fight with the Iraqis, जब इराकी से हम युद्ध लड़ रहे थे तो वो चूंकि हैवी था हमारा वो जो गोनी बैग जो पीठ पे लटका के चलते हैं, इसीलिए हमने उसको हटा दिया था। Since the start of the operation, none of our radios had worked, हम लोग का रेडियो वो वायरलेस काम नहीं कर रहा था। We realized much later that we had been given the wrong frequencies, हम लोगों को बाद में पता चला कि हमें फ्रीक्वेंसी गलत दिया गया था। एंड वी हैड नॉट बीन एबल टू गेट थ्रू द गेट थ्रू टू बेस, और बेस पे हम कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते थे। नॉर कुड वी कॉन्टैक्ट द रेस्ट ऑफ द पेट्रोल, ये ध्यान रखना यहां पे, रेस्ट ऑफ द पेट्रोल जो और लोग थे पार्टी के उनसे भी हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। एंडी एंडी वो जो वायरलेस पे हम लोग बोलते हैं ना, बस सैनिक लोग। आई शाउटेड इन माई TACBE, The night ended, no reply. वो TACB क्या होता है, और कोई reply नहीं मिला हमें। Things now went from bad to worse. चीजें अब और बदतर होने शुरू हो गई। It snowed. बर्फ गिरना शुरू हो गया। We could not believe it. हमें विश्वास नहीं हुआ। In Saudi Arabia, the nights had been quite warm. जब सऊदी अरेबिया में थे तो वहां पर night quite warm था, बहुत good. Nobody had warned us it would be different up here. और किसी ने नहीं बताया कि यहां पे थोड़ा अलग होगा, सऊदी अरेबिया से अलग यहां पे होगा। द विंड नाइफ थ्रू माई स्किन कॉम्बैट फिटिक्स, यहां देखो एक बड़ा अच्छा वर्ड था, मुझे आज मैंने उसको देखा, फिटिक्स। देखो हम लोग फिटिक का मतलब जानते हैं थकावट, यहां पे फिटिक में एस लगा हुआ है, ध्यान देना आप। मैं इसको आज पढ़ रहा था, मैं इस पैसेज को, द विंड नाइफ्ड थ्रू, ये समझ में आ गया कि जो सर्द हवा थी बर्फ वाली हवा वो एकदम छेद कर रही थी। माय थिन कॉम्बैट फिटिग्स, मेरे युद्ध वाले फिटिग से हवा छेद करके अंदर घुस रही थी। थकावट का कोई मीनिंग नहीं आ रहा था मेरे को। देन आई थॉट कि फिटिग का कोई और भी मीनिंग होगा, एंड दैट टू एज अ नाउन, एक एक ड्रेस आदि का मीनिंग होता होगा, और ये सेंटेंस से पता चल रहा है। और जब मैंने डिक्शनरी में कंसल्ट किया तो वो आराम से वहां लिखा हुआ था कि फिटिक्स का मतलब जो लूज ड्रेस सैनिक आदि पहनते हैं, ऐसे सैनिक पहनते हैं, उसको फिटिक्स कहा जाता है। इंटरेस्टिंग। द विंड नेवर हैड आई एंड्योर्ड सच एगनी फ्रॉम कोल्ड, कभी हमें इतनी ठंड नहीं लगी थी। विंड्स वॉज बैडली हिट बाई हाइपोथर्मिया एंड इटरेटिंग फास्ट, वो एक आदमी का नाम दिया हुआ है, वो बहुत उसको ठंड बहुत ज्यादा लग गई थी, उसका शरीर का तापमान कम हो रहा था और वो डिटरेट कर रहा था बहुत जल्दी जल्दी। When we set off again at nightfall, जब रात में लोगों ने फिर शुरू किया आगे बढ़ना, he kept lagging behind, calling through the snow flurries, I want to go to sleep, I am tired. अब जरा सोचो, पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। द ग्रुप अंडर डिस्कशन वॉज फाइटिंग द एनिमी इन द लैटर्स ओन कंट्री, वो एनिमी के देश में लड़ रहे थे, पक्का है, तभी तो वहां से छोड़ के भाग रहे थे। बी नंबर, द ग्रुप सफर्ड अ लॉस और डैमेज, पक्का, आखिर भागने का क्या मतलब था। द ग्रुप वॉज डिजर्टेड बाई इट्स ओन मैन, देखो जब वो वायरलेस पे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था, पेट्रोल उनको गलत फ्रीक्वेंसी दिया गया था। लेकिन 4 नंबर देखो, द ऑथर वॉज इन चार्ज ऑफ द बटालियन, ये कहीं नहीं है कि वो बटालियन के चार्ज में जो लिख रहा है वो बटालियन का इंचार्ज था। 2 नंबर में, नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज,
सीरिया वॉज रिलेटिवली फार्दर देन अदर कंट्रीज, सीरिया कंपेरेटिवली बहुत दूर था, जबकि पहला ही सेंटेंस में लिखा हुआ है सीरिया का बॉर्डर सबसे नजदीक था, ओनली 128 किलोमीटर नॉर्थ। ऑप्शन गड़बड़ हो गया। हाँ, आपको डाउट हो सकता है यह देखने के लिए कि सीरिया, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया थ्री कंट्रीज दैट हैज बीन मेंशन इन देयर स्टोरी। थोड़ा सा मैंने को ऑप्शन बनाने के समय में ना थोड़ा वो देख लिया कि थोड़ा करे, मतलब जनरल नॉलेज भी हो तो। अब जरा ध्यान देना, यूफ्रेटिस की बात की गई है और यूफ्रेटिस इजिप्ट की एक नदी है। सो इजिप्ट का तो मेंशन आ ही गया है, मैंने कहा था कि थोड़ा टफ होगा। बाकी और देर वर अदर ग्रुप्स अराउंड, पेट्रोल पार्टी जो था बोला उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो वो भी अगल बगल में थे कहीं पे। थर्ड नंबर, सही फैक्टर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो सकता है कि आप अगर चुन लिए हो, क्योंकि ऑप्शन का मतलब नहीं समझ में आया हो। द ग्रुप प्रेफर्ड सेफ्टी टू देयर थर्स्ट, एंड उनको सेफ्टी ज्यादा पसंद आया पानी के अपेक्षा, जबकि हकीकत यह थी कि वो पानी के खोज में ही यूफ्रेटिस की तरफ जा रहे थे, जबकि सेफ्टी के लिए सीरियन बॉर्डर की तरफ जाना था उनको। थर्ड नंबर कि उन्होंने रिवर कोर्स को फॉलो करने की कोशिश की। सो थर्ड वाज करेक्ट। एंड फोर्थ नंबर में नॉट इंप्लाइड, कौन सा पैसेज में नहीं लिखा हुआ है? अगर आप देखो तो बाकी सब लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी का मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाइल एस्केपिंग अदर नीड्स लाइक थर्स्ट अपार्ट फ्रॉम बेस सेफ्टी शुड बी इक्वली टेकन केयर ऑफ, जबकि पैसेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पैसेज मैंने दिया था कि थर्स्ट के अलावे सेफ्टी भी ध्यान रखना है। ये सही हो सकता है, बट पैसेज में क्या लिखा हुआ है इंप्लाइड कि हम लोगों ने थर्स्ट को ज्यादा ध्यान रखा, सेफ्टी को कम ध्यान दिया। सो इन दैट सेंस बाकी के तीनों ऑप्शन इन्वॉल्व है वहां पे। क्वेश्चन नंबर वन इन कॉमन एरर, वन का सी, टू का सी, थ्री का बी, फोर बी एंड फाइव ई, पांच नंबर। वन में क्या एरर है? व्हाट के जगह पे दैट होगा, क्योंकि आपको आपको याद होगा रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन थे जो किसी नाउन के बदले में नहीं आते हैं, जबकि यहां एनीथिंग के बदले में लगाना था, एनीथिंग दैट हैड दैट हैपेंड, और एनीथिंग के बदले में लगाना है तो हु विच दैट में से कोई एक लगा सकते हो आप। इसलिए आप याद करना व्हाट और व्हाट का एक ग्रुप था और एक हु का ग्रुप था। व्हाट और बाकी जो मैंने बोला व्हाई, व्हेन, जो भी लोग हैं, जो भी आप सुन रहे हो, इसको किसी नाउन के बगल में नहीं रखा जा सकता, जबकि हु, विच, दैट, होम और हुज के पहले एक नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है। यहां व्हाट नहीं आ सकता क्योंकि एनीथिंग के बगल में रखना है, एनीथिंग इज अ प्रोनाउन ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर टू, आपके पास इस सेंटेंस में देखो तो एक कंजंक्शन बी पोर्शन में लगा हुआ है दैट, और दैट लगाने का मतलब कि आपके सेंटेंस में दो वर्ब चाहिए, एक वर्ब ऑलरेडी विल बी कंसीडर्ड, सी और डी का मिला के एक वर्ब हो गया विल बी कंसीडर्ड, जबकि दूसरा वर्ब नहीं है, जो जिसको दूसरा वर्ब बनना था उसको इंफिनिटिव के शक्ल में टू लोअर डाउन लिखा हुआ है, वो इंफिनिटिव शक्ल में डाल दिया, वो वर्ब नहीं माना जा सकता। दैट के चलते दो वर्ब चाहिए, इसलिए टू लोअर डाउन को शुड बी लोअर डाउन, द डिमांड ऑफ द सिटीजंस फोरम दैट द प्राइसेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज शुड बी लोअर डाउन विल बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसको वर्ब बनाना पड़ेगा टू लोअर डाउन को, और उसके लिए शुड बी लोअर डाउन या बी लोअर डाउन, सब्जंक्टिव केस, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। थर्ड, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता नहीं आप में से जितने लोगों का सही रहा होगा, अच्छा है अगर सही रहा होगा तो, बिना गेस के कंफर्म जरा चेक कीजिएगा अपने को। चिल्ड्रन हु हैव हैड
गुड प्री स्कूल स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। एक शॉर्ट में सेंटेंस का मीनिंग आराम समझ में आ रहा है, कोई एरर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और यही आर्टिकल के एरर का प्रॉब्लम है। आर्टिकल जब ऑमिट कर देता है ना, ए चाहे एन चाहे द, तो वो दिखाई नहीं पड़ता। आपके गुड के पहले ए लगेगा, हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन। आर्टिकल का एरर इनफैक्ट कॉमन एरर का सबसे टफ सेक्शन है, दिखाई नहीं पड़ता। वो मिला होगा, बेस्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। फोर नंबर में आप याद करना रादर का कहां यूज मैंने बताया था। रादर एज एन एडवर्ब एक निगेटिव कोनोटेशन देता है, मीनिंग वेरी होता है। रादर का बहुत सारा यूज, रादर देन कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रादर को एक वेरी के सेंस में मैंने इस्तेमाल किया था। वेरी होगा, इनफ होगा, मच होगा, टू होगा, सो होगा, फेयरली होगा, सबका यूज वेरी के सेंस में होता है। उसमें रादर का कोनोटेशन नेगेटिव था। जब चीजें मन प्रॉपर से मतलब पसंद नहीं आने लायक हो तो आप रादर का इस्तेमाल करते हो। आप याद करने की कोशिश करो, अदरवाइज जो लोग नए हैं, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, उनका आपके उसी चैनल पे आप एडवर्ब निकाल लो। एडवर्ब में रादर, सो, टू, वेरी सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रादर को नेगेटिव कोनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं और यहां पे कोनोटेशन पॉजिटिव है। सो इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, कर लो क्वाइट इंटरेस्टिंग कर लो, रादर नहीं होगा क्योंकि रादर नेगेटिव मीनिंग देता है। एंड फाइव नंबर में कोई एरर नहीं था। सो आई होप कि आपका फाइव नंबर भी सही रहा होगा। इसमें दो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, एक थर्ड नंबर और एक फाइव नंबर, अदरवाइज आपको चैलेंज आ रहा होगा क्वेश्चंस बनाने में, अच्छा लग रहा होगा। एक स्पेशली मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों में से जितने लोगों ने कहा डिमांड जैसे कि आप लोगों ने वर्ड्स को कैसे याद कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि वर्ड्स के अप्रोच को मेरे को बताएं आप। देखो मैंने कल का जो क्लास रखा है वो वर्ड का अप्रोच कैसे होगा, कर सकते हो आप। आज मैं पढ़ रहा था और वो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1000, 1500 मैक्सिमम 2000 अगर आप वर्ड्स, और वो भी आपके प्रीवियस पेपर के, अगर आप सिंगल आउट करके उसको अगर आप काम करो तो आपकी वर्ड की समस्या खत्म हो सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये कि आप वर्ड्स को भूलते बहुत ज्यादा हो, और वो प्रॉब्लम आपके आपकी नहीं है, वो समस्या आपके अप्रोच की है, वो अप्रोच आपको गलती कराता है। मैं एक मटेरियल दे रहा हूं जिसमें 30 वर्ड है, आपको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो मेरे एडवाइस को, तो एक बात ध्यान रखना, इन वर्ड्स को अभी आपके पास जब ये वीडियो अपलोड होगा तो साथ में ऊपर पर भी चला जाएगा, प्लीज उसको डिक्शनरी से मत देखिएगा, क्योंकि बस आप अगर देखना भी चाहें तो आप चेक कर लीजिएगा कि उस 30 वर्ड में कितने वर्ड का मीनिंग आप जानते हो, लेकिन जो वर्ड नहीं जानते हो उसको डिक्शनरी से मत देखो। इसका एक फ्रेश अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, वो जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, सबको फायदा करेगा। और ये जो 2000 वर्ड्स मैंने बोला ना, 2000 वर्ड्स, इसको करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि अगर आप 12-13-14 दिन अभी हमारे लॉकडाउन का ही बचा हुआ है, और अगले 10 दिन और जोड़ लो तो वो सारे वर्ड्स आप जो सोच रहे हो ना वो आ जाएगा। मुझे लगता है कि वर्ड्स की समस्या हम लोग खत्म कर सकते हैं अप्रोच से। बट इसमें एक मेरा, मैं फिर से आपसे वही एडवाइस कर रहा हूं कि उन वर्ड्स का मीनिंग डिक्शनरी से मत देखिएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड याद हैं, अगर उस 30 में से आपको 5-7-10 वर्ड याद हैं तो आई वुड से कि आप बहुत ही अच्छे हो।
आपके वर्ड का स्टॉक बहुत अच्छा माना जाएगा। बट अगर नहीं याद है तो अभी कल की मेरी बात सुनने के पहले उसको डिक्शनरी से देखे कंफर्म मत कीजिए। फिर मेरा पूरा पर्पस आपको बताने का जो अप्रोच, क्योंकि उसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कल के ही हमारे डिस्कशन में मैं उन 300 वर्ड को आपको याद करा दूं 10-12 मिनट में, 15 मिनट में, वो 300 वर्ड आपको याद करा दूं। अगर ये नहीं देखोगे फायदा होगा, और आप अगर नहीं, आप इस एडवाइस को प्लीज फॉलो करना। आप अपने पास मटेरियल रखोगे, वर्ड्स को देख लो, कंफर्म कर लो कितने जानते हो, नहीं तो फिर कल एक इंक्विजिटिवनेस पक्का होगा कि क्या कोई अप्रोच हो सकता है, लेट मी डिस्कस दैट। और वो एक साइकोलॉजिस्ट का अप्रोच है, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग उसको अपनाते हैं, आपके आम जीवन में वो होता है, बस खाली आप सुनना और लेट्स सी कि आपको वर्ड याद होता है कि नहीं होता है। अगर उसको करोगे ना तो मेरे बोलता है कि लॉकडाउन के दौरान ही यू विल फील कि तुम्हारे पास स्टॉक बढ़ गया है। कल मिलते हैं हम लोग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, बी एट होम, थैंक यू, गुड नाइट, नमस्ते।